मैंने इधर रफीकुल्ला एंड आई एम आर्किटेक्ट। मैंने 2022 में NCA रावलपिंडी से ग्रेजुएट किया है और मैं एज ए हॉबी कैलीग्राफी को भी लेके चल रहा हूँ, जो अभी प्रोफेशनल एज एन आर्टिस्ट भी एग्जीबिशन वगैरह भी करता हूँ कैलीग्राफी के। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मरून आर्किटेक्ट्स को ज्वाइन किया था एक साल के लिए, मैंने उधर उनके साथ काम किया था। फिर उसके बाद मैंने अपना स्टूडियो सेट कर लिया, दायरा स्टूडियो, जो कि पहले से भी चल रहा था, लेकिन फिर मैंने दोबारा फुल टाइम स्टूडियो प्रैक्टिस स्टार्ट की अपनी, जिसमें कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर दोनों मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आर्किटेक्चर के मेरे पास प्रोजेक्ट्स ये है कि कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और एक दो इंटीरियर किए जो कि एग्जीक्यूशन भी हमने की है, और फिर ये कि एक सोसाइटी की पूरी विजुअलाइजेशन और इसकी एनिमेशन वगैरह और डिज़ाइन फॉर्म वगैरह सारी कुछ वो डिज़ाइन किया, रिसेंट वो भी एक प्रोजेक्ट किया है। मैं बेसिकली कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर दोनों को साथ ही परसू कर रहा हूँ, और इसकी मेन वजह ये है कि दोनों में ज्योमेट्री अप्लाई होती है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स और रूल्स है आर्किटेक्चर के या कैलीग्राफी के वो दोनों सेम है, जो कि एक और डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। उस वजह से मेरे कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर दोनों साथ ही, मतलब एक अच्छे बैलेंस वे के साथ चल रहे हैं और दोनों को साथ ही परसू कर रहा हूँ। सर, जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन या अगर कैलीग्राफी के लिए और आर्किटेक्चर के दोनों के लिए, बेसिकली मेरी जो मैंने अभी पहले ही बताया ज्योमेट्री है, तो मैं इंस्पायर्ड हूँ ईरानी आर्किटेक्चर से, क्योंकि उनका जो मैंने ट्रेडिशनल जो मैंने अपने आर्किटेक्चर में जो नीच मतलब सेलेक्ट किए वो है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, मतलब जिसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, सही है, और ब्रिक के साथ काम करना, तो वो क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का भी है, तो दोनों कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर दोनों को मतलब एक ही मेन पॉइंट है उन दोनों का, जिसमें जिसकी वजह से वो दोनों साथ ही परसू कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में हारमोनी है, फ्लो है, सही है, एक बैलेंस है, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है और प्रिंसिपल्स हैं, तो उसकी वजह से मैं कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर दोनों साथ परसू हम कर सकते हैं। वेल, एज़ फॉर माई पर्सनल स्टाइल इन कैलीग्राफी, इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, क्योंकि आप जितना भी मेरा काम देखते हैं वो कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफी से ही लिंक करते हैं। और बेसिक जो मैंने कैलीग्राफी सीखी थी वो नस्तरीक थी, जो कि एक आम फॉन्ट है ट्रेडिशनल, जो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है लाहौर में, पाकिस्तान में, ईरान में, तुर्की में, मतलब हर जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो उन्हीं उसी फॉन्ट के साथ मैंने मतलब सुलस एक ख़त, एक दो, एक ईरानी ख़त, ख़ताशे, उसके साथ उन तीनों को मिक्स करके मैं अपना जो जितना भी काम होता है वो कैलीग्राफी में इसी तरह ही काम करता हूँ, जो कि एक कंटेम्प्रेरी। और इसकी मेन वजह ये बैलेंस करने के लिए मेरे को ज्योमेट्री मैंने जो सीखी थी वो मुझे बहुत हेल्प आउट कर रही है इसके अंदर, जो दोबारा मेरे लिए आर्किटेक्चर आ रहा है इस कैलीग्राफी के अंदर। मतलब डिफरेंट फील्ड्स को एक साथ मतलब मैनेज करना बहुत टफ होता है वैसे तो, बट ये है कि अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं और अपने अपने टाइम की अगर आप खुद कदर करते हैं तो आप के टाइम का अगला बंदा भी कदर करता है और आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए मतलब बंदे के अंदर, वो आर्किटेक्ट हो या कोई भी ह्यूमन बींग हो, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। मतलब इतने सारे कैलीग्राफर्स के बीच में से अपने आप को मतलब निखारना, सही है, लोगों के सामने लेके आना, जो कि टफ भी है एक तरह से, क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है, इसमें कैलीग्राफर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे अच्छे कैलीग्राफर्स बैठे हुए हैं, मतलब ट्रेडिशनल ख़त में ऐसे ये, बाकी मॉडर्न में भी, कंटेम्प्रेरी में भी, लेकिन हर बंदे का एक विजन अलग होता है कैलीग्राफी के लिए। मेरा ये है कि मैं लर्निंग के उस पर ज़्यादा जाता हूँ, कि मैं हमेशा लर्न करता हूँ हर प्रोजेक्ट से, हर कैनवस से, हर कंपोजिशन से मैं कुछ चीज़ लर्न करता हूँ। मेरी जो जर्नी है मतलब पिछले मतलब 2017 से अगर मैं काउंट करूँ अभी तक की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ अचीव किया है सही। और मतलब अगर वो बंदा अगर कुछ एनालिसिस भी करता है तो प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं अगले 4-5 सालों में किधर तक जा सकता हूँ और कितनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे काफ़ी इस तरह के मतलब एक वाइब आती है कि मतलब इसमें मैं और भी आगे जा सकता हूँ, जो कि इंशाल्लाह विद टाइम काम भी अच्छा होगा और आगे मतलब प्रोग्रेस की तरफ ही जाने की होगी।